आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। केंद्र सरकार से पूछिए, किसी ने कुछ कहा नहीं, है ना? किसी से सलाह नहीं की, किसी से बात नहीं की है। ये तीन तीन किसान विरोधी कानून क्यों पास किए? तीन किसान विरोधी कानून केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने पास किया, जिसे हम और किसान, सभी किसान देश के किसान विरोधी मानते हैं। इसीलिए सम्मेलन करने की आवश्यकता है। बस एक चलिए आगे। और बीजेपी भी आज किसान संगोष्ठी कर रही है, किसानों को इसके बारे में बता रही है। उनका हम तो जगा रहे हैं किसानों को, आपके साथ क्या हो रही है? फरमाने के लिए संगोष्ठी कर रही है छोटे छोटे लोगों को। और जाके देखिए किसान है क्या? हमारे यहाँ तो देखिए सब किसान है, हमारे यहाँ किसान है, उनके यहाँ है क्या? शहर बाजार के लोग रहते हैं, उनके पार्टी, उनके पार्टी में किसान नहीं मिलेंगे आपको। संगोष्ठी करके किसानों को, थोड़ा बड़े किसान है उनको फरमाने का काम। ठीक, इसका विरोध कर रहे तो क्या अभी तक क्या इसका इम्पैक्ट देखने को मिला? ऐसा है, आप गांव में जाइए, हस्ताक्षर अभियान चल रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, किसानों से हस्ताक्षर करवा रहे हैं। इरादा है किसे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज देंगे गवर्नर के रूप में, वहां जाके देख क्या इसका इम्पैक्ट हो रहा है। अब इम्पैक्ट पड़ेगा। वो समझदार है किसान, पहले बड़े किसान नहीं है, पढ़े लिखे किसान है आप, वो जानेंगे कि क्या होगा MSP मूल्य, है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होगा, क्या हम बाजार में जाएंगे तो 20 रुपये ये धान बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये सब देखने का वो सब समझेंगे। वो जितने भी MSP लागू किए गए हैं अनाजों पर, उनको पता है, वो सब जानते हैं। और इस कानून के बाद आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चौथा दिन तो MSP खत्म ही होने वाला है। ठीक, हाँ, एक चुनाव है, कौन सा मुद्दा लेकर जाइएगा और इसकी रैली की तैयारी किस तरह होगा? क्या वर्चुअल होगा या आप लोग पहुँचिएगा मैदान? वो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन आया है, हम उसी का अनुसरण करेंगे, उसी का अनुसरण करेंगे। हमारे साथी लोग, वर्कर लोग गांव-गांव में जाएंगे, किसी घर में बैठेंगे, 2-3 आदमी को बुलाएंगे, कन्वेंस करेंगे, पार्टी का प्रोग्राम बताएंगे, सरकार की उपलब्धि जो अभी तक है, कोरोना पीरियड में भी मनरेगा का काम हुआ, लोगों को रोजगार मिला, कांग्रेस या हमारी सरकार ने ये प्रवासी मजदूरों को लाया, ट्रेन से लाया, जहाज से लाया, उनको इज्जत के साथ रखा, मनरेगा में काम किया, अनाज बांटे हम लोग, किचन खोले, दीदी किचन खोले हम लोग, मुख्यमंत्री किचन खोले हम लोग, किसी को भूखा नहीं रहने दिया। और जो कृषि मंत्री हैं उनका तो कमाल है, खाद बीज ये बांट रहे हैं लोगों को, उन्नत खाद, बढ़िया बीज बांट रहे हैं, इसका असर आने वाले फसल में, आगे समय में दिखाई देगा। स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहे हैं रोज देख रहे हैं आप, कितना टेस्टिंग बढ़ गया पहले, इससे पिछली सरकार जो 5 साल से चलाई थी, एक भी व्यवस्था नहीं थी टेस्टिंग सेंटर की, यहाँ आने के बाद सरकार ने टेस्टिंग सेंटर बढ़ा दिया और हजारों की संख्या में रोजाना टेस्ट हो रहा है, और लोग अपना व्यवस्था किया इलाज का भी, और रोज अच्छा होकर जा रहे हैं लोग, ये देख रहे हैं लोग देख रहे हैं। पीछे का मुड़ के देखेंगे कि क्या की थी पिछले सरकार, बीजेपी की सरकार, अभी लघु अवधि में भी, छोटी सी अवधि में भी, कोरोना के संकट के कारण होने, बाधा होने पर भी, कोरोना के वजह से हम कितना कर रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनका टेस्टिंग करा रहे हैं, उनको खेती बाड़ी में मदद कर रहे हैं, उनको मनरेगा के तहत रोजगार। बीजेपी का कहना है कि हम फील्ड में जब जाएंगे तो सरकार के 9 महीने का कुकर्म बताएंगे। 5 साल तक हाँ ना, ठीक बोले, वो उधर से बोला गया वही ना बोलेंगे बेचारे, कहाँ से बोलेंगे अलग से बताएंगे। अभी निकल रहा धीरे धीरे, मत बोलवाए वो, लेकिन तो फिर निकालेगा, फिर किताब छापेंगे वो कि क्या क्या हुआ था पिछली सरकार में, खास करके पिछली सरकार में खास करके क्या हुआ था, स्मार्ट रोड बनाने के चक्कर में क्या किए, काम शुरू नहीं हुआ,
मोबिलाइजेशन एडवांस पहले ठेकेदार को दे दिया गया, ये खाली ठेकेदारी। आप भी उनका कच्चा चेचा खोलेंगे? आप बोलेंगे ना, अभी तो दम धरी है ना थोड़ा सा, अभी तो शुरुआती है, अभी तो चलना फिरना भी नहीं सीख पाए हम लोग, कई महीना हुआ है, अभी तो चलना फिरना भी शुरू की है सरकार, 5 साल में दौड़ेंगे अब तब उनको पता चलेगा क्या हो रहा है, क्या किया इन्होंने, कच्चा चेचा शुरू हो गया।